ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 6 ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ गेस्ट हाउस बना है वे भी बर्डन है पंजाब हॉस्टल बना है एमएलए के लिए वो भी बर्डन है अगर ये बनने हैं तो उसके लिए आदमी तो भेजना ही है हाँ इनको तजर्बा होगा जो किसी लाइन में है जैसे आप भी कोई होते हैं तो आप पहले दिन में बड़े अफसर तो नहीं बन जाते ऐसा ऐसा चलते हैं तो आप CPS बनेंगे फिर मिनिस्टर बनेंगे फिर इनका कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा पंजाब सरकार दी नियुक्तियां पंजाब दी विरोधी पार्टियां नु भी हजम नहीं हो रही पंजाब विधानसभा च विरोधी धिर दे आगू चरणजीत सिंह चनी ने मुख संसदीय सकत्रा नू चिट्टे हाथी दस्या ये जड़ी CPS दी पोस्ट है एक चिट्टा हाथी है जिस तरह पंजाबी च कहंदे भी पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला पंजाब सरकार पास तनखा देण नू पैसे नहीं लेकिन अपने जड़े MLA है उन्होंने यह वो झंडियां जड़ियां कि संविधानिक तौर पर बनदियां नहीं है वो झंडियां दे के खुश करन च लगी हुई है लेकिन पंजाब दा जड़ा आर्थिक खजाना वो खाली पिया है उहदे ते होर इन्होंने बोझ पाता है ऐसी इसकी निंदा करदे आ मुख संसदी सकत्तर बनन तो बाद जोश चाहे अकाली दल भाजपा विधायक ने अपनी खुशी का इजहार किया ते विरोधी पार्टियां दे दावियां नू झूठा करार दिता उन्हें कहा कि मुख संसदी सकत्तर बनन तो बाद वो लोगों की सेवा होर सुचजे ढंग नाल कर सकते ने पर इन सारे बयानों दे विच खजाने ते बोझ पैण वाली गल उस समय जग जाहिर हो गई जदों मुख संसदी सकत्तर बने गुरप्रताप सिंह वडाला ने साफ तौर ते कह दिता कि 2-4 करोड़ दे खर्चे नाल पंजाब सरकार नू कोई फर्क नहीं पैंदा देखो पंजाब दा एडा वड्डा बजट है जी इहदे पिछे 2-4 करोड़ बहुत ही नामात्र अमाउंट आ विरोधी धिर ने तो सिर्फ विरोधता की खातर ही इस गल नू अपोज करना आ पर मैं समझना जिते एडा वड्डा मंत्री मंडल है ऑलरेडी CPS भी है चेयरमैन भी है जे तो कॉन्स्टिट्यूशन दे उल्टे कोई गल फिर तो कह जे विदिन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ दैन दे हैव नो राइट टू से दिस देखो जी उन्होंने तो अपना कोई सिस्टम हो सकता है पर जो श्रोमणी अकाली दल और BJP की सरकार बनती है आ डिवेलपमेंट को समर्पित होती है और लास्ट टर्म भी मैं MLA सी और 6 महीने पहला इसी तरह मैं CPS बनाया गया सी और मैं अपने हल्के 6 माइनर्स जो कि पेंडिंग पे सी वो कराए इरीगेशन का मैं इरीगेशन डिपार्टमेंट से होर बड़ी डिवेलपमेंट कराई सी अजे भी स्टिल मेरे को काफ़ी कम पे है जोड़ा कि होल है मैं तुहाडे राही बाल साहब का साहब प्रकाश सिंह बाल साहब का बड़ा धन्यवादी है उन्होंने मैंने 20-21-22 जी है आ मई वो आप मेरे हल्के संगत दर्शन करने का टाइम दिता है और मैं मैक्सीम जरा चांस अवेल करूँगा इस गल का और सारे पंजाब की सेवा करूँगा बड़ा अच्छा महसूस हो रहा पहला भी बहुत हल्के काम करन दा मौका मिलिया हुण थोड़ा होर बूस्ट हो के जड़े होर भी फंड वधन गए होर कितें नहीं सी असी कई बार साढ़े हाथ थोड़े जे एज ए MLA थोड़े जे हुण उह भी असी जिदा कि छिंजा हुई भैणा दा महिला मंडल होया होर बड़ियां थावां ते अच्छा महसूस हो रहा कि अज होर भी सेवा कर सकांगे लोग विरोधी चाहे कुछ भी कहन अज पंजाब है जिहड़ा हर पास्यों विकास कीता हैगा जो स्कीम आई हैं लोगों की भलाई लई आई हैं अज असी बाहर निकल के देखिए सड़क पुल वड्डे वड्डे अदारे ये सारा कुछ पंजाब और जदों भी ये होया ये गठबंधन की सरकार टाइम ही होया अकाली दल और भाजपा की सरकार दौरान ही होया सारा कुछ पंजाब सरकार बेशक इन्हां नियुक्तियां नूं जरूरी दस के सरकारी खजाने ते बोझ पा रही है पर की ये नियुक्तियां खुदकुशियां कर रहे किसानों के लिए मुआवजा ते मुलाजमां नूं तनखाह देने तो भी ज्यादा जरूरी सी न्यूज़ टेक तो अर्शदीप सिंह दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट ग्लोबल पंजाब TV